क्या दिखता है? यही कि मैं आप लोगों के साथ इस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। मेरा भविष्य इस कंपनी पर सिखाना होगा। एक आध हफ्ते की ट्रेनिंग देनी होगी, दुरुस्त हो जाएंगे। क्या कुछ इंटरनल मामला था, ठीक हो जाएगा। यह सब तो लाइफ का हिस्सा है। और सचिन, तुम्हारी शादी का क्या? सर बात तो बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन उसके घर वाले मान नहीं रहे। मैं माना तो शादी कर ही लो। विवेक सही कह रहे हैं सचिन, फैसला तो आप लोगों को लेना है, ना कि आपके घर। तो एक लंबी दास्तान, अंतहीन कहानी, कभी ना खत्म होने वाला सफर। मेरे भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। नौकरी, घर के माता पिता, भाई बहन, एक तरफ ये सारे लोग और एक तरफ मैं। इसके इधर अगर कुछ है तो कंपनी की नौकरी, टारगेट, बिजनेस को अचीव करने के लिए अपने से कनिष्ठ लोगों पर दबाव, प्रताड़ना, ऊपर से हमारे बॉस का फरमान, पेज का सो लोगों पर नहीं तो। सोचिए, नौकरी का दबाव, परिवार को जिंदा रखने का दबाव, कंपनी की साख बचाने का। सर अभी एमबीए कंप्लीट हुआ है। जॉब क्यों करना चाहते हो? सर प्रॉब्लम है और कुछ जिम्मेदारियां। शादी हो गई? जी। शादी क्यों? माता पिता की इच्छा थी। और आपकी क्या राय? सर मैं तो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, कहीं जॉब लग जाती उसके बाद ही कुछ सोचता। ये दौर खुद एस्टेब्लिश होने का है और जीवन के फैसले खुद लेने का है। वो तो सही है सर, पर ऐसा हो कहां पाता। अक्सर ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो कर नहीं पाते और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। गुड, एक बात कुछ निर्णय करते हैं। थैंक यू सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, ये मेरा रिज्यूम। आपने कहीं जॉब परपज से काम किया? सर जॉब को लेकर कहीं पर्टिकुलर काम नहीं किया, पर सर मार्केटिंग का अनुभव है। कैसा अनुभव? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है सर, उसी की मार्केटिंग डोर टू डोर है। तो आप शहर के बाहर जा सकती हैं? जी सर। बिल्कुल ठीक है सर। और आप भेजने क्या है? हाँ यार, कैसे नहीं आता। मैं भी समझता हूँ फैमिली की अहमियत। सर जिसका वजूद जिंदा है वही दूसरों को तवज्जो दे सकता है। हाँ सचिन, एक बार मेरी भी वाइफ बीमार पड़ी। वो समय ऐसा था कि मैं कुछ समझता ही ना था। अब सोचता रह जाता हूँ जो बीत गया उसके लिए क्या कर सकता हूँ। हम बातें करते हैं, हम ये सब बताते हैं। कभी कभी ऐसी बात भी करना पड़ती। शायद वो अपने खाने के लिए कुछ नहीं बनाती, रात का बचा खा लेती और कभी कभी तो थोड़ा दिन बिस्तर पे गुजार देती। किसी किसी तरह दिन कटता तो शाम हो और बोलती आ गए। मैं चुप रहता, फिर उसे मनाने की पूरी कोशिश करता और अंत वही राम कहानी जो मैं रोज कोमल के साथ करता आ रहा था। सचिन, मेरे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से कोमल एक गहरी उदासीन होता थी चली गई। डिप्रेशन का शिकार हो गई। अपनी गाड़ी है, अगर अभी वो दुनिया में आएगा तो क्या दे सकेंगे उसे? नहीं, कुछ समय बाद आएगा तो कितना कुछ मिलेगा उसे। लेकिन तुम नहीं जानते, बच्चे सच में अगर अपने माता पिता से कुछ चाहते हैं ना तो वो है उनका प्यार, उनकी ममता भरी निगाहें और बाकी सब चीजें तो बस दिखावे की होती है। और फिर जब तक वो सब समझने लायक होगा ना तब तक तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? हफ्ते में एक दिन भी मुझे नहीं दे सकते? एक दिन भी मेरे लिए नहीं डाल सकते? आज क्या दिन है? शनिवार है। नहीं लेकिन आज तो जॉब भी है, जरा याद तो करो। पहन गया मैं तू जाओ, देख रहा हूँ। तुम्हें कैसे बताओ कितनी बड़ी भीड़ है, अगर ले सका तो मालूम है पहले कितना हाई हो जाएगा। मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊंगा? तुम्हारी जिंदगी में भीड़ और सैलरी हाइक के अलावा किसी चीज के लिए कोई जगह नहीं।
नहीं पवन, अब सब कुछ तो उसके बाद है ना। उसके बाद ऑब्वियसली किसके लिए कर रहा हूँ ये सब? क्या अपने लिए? मुझे नहीं चाहिए ये सब, पर अपना कुछ समय दे दो निखिल मुझे। पवन प्लीज इमोशनल बातें बंद करो, बताओ आज क्या है। निखिल आज हमारी शादी की तीसरी एनिवर्सरी है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया। आप सब में जल्दी लौट आओ, मैं तैयार हूँ। फिर किसी टॉप के स्टॉप में कैंडल लाइट डिनर करते हैं। वो निखिल के जीवन में कभी पहुंच ही ना सकी, कारण कुछ भी हो, लेकिन जिंदगी की दौड़ इंसान को मशीन बना देती है, और यह मशीन जब अंतहीन रास्ते पर चल पड़ती है तो मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। मित्र निखिल के साथ भी यही हुआ, वो ऑफिस चला गया, पर कोमल तो कोमल थी। पिछले 3 बरस केवल बस केवल उसने जीवन को जिया ही नहीं, बल्कि ओढ़ा और बिछाया था। इस ओढ़ने और बिछाने में उसके अपने सपने थे, अपनी चाहते थी, बहुत कुछ ना कह पाए। हमारी शादी को कितने साल हो गए? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कभी हम लोगों ने एक दूसरे से बैठ के बात करने की कोशिश की? देखो अगली बात तो घुमा नहीं, मुझे जो घर के लिए करना चाहिए था मैंने वो सब कुछ किया। आखिर क्या जिम्मेदारियां भी तो मेरे ऊपर थी।